जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। आज के वीडियो में दोस्तों बात होने वाली है नन टाइपिंग पोस्ट को लेके, जिनका कि कुल पद 8001 है। तो इसका एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है दोस्तों? ये कटअप जो है मैं मेरिट कटअप आपको बताने वाला हूँ, तो इसलिए बहुत सारे लाइक और डिसलाइक मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सच में लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आए तो अनलाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं ये भी बोलूँगा आपको। साथ ही साथ दोस्तों इस बात पे भी चर्चा होगी कि फिजिकल लिस्ट वाले को कितनी उम्मीद रखनी चाहिए नन टाइपिंग पोस्ट को लेके, और जो भाई साहब टाइपिंग में फेल हो गए हैं या जिनका टाइपिंग ख़राब हो गया है उनको ये शक लगता है कि मैं टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाया आयोग के अनुसार, तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं जनरल का कटअप क्या रहने वाला है नन टाइपिंग पोस्ट को लेके। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर लूँ यहाँ पे कुल पद जो कोटिवार पद है सामान्य वर्ग के लिए। देखिए दोस्तों मैंने इसमें तीनों पद को इंक्लूड कर दिया है, जैसे कि यहाँ आप पंचायत सचिव का सीट देख रहे होंगे 1136। उसके बाद दोस्तों बात कर लूँ मैं राजस्व कर्मचारी, यानी राजस्व कर्मचारी का जनरल में कितना सीट है दोस्तों, तो लगभग 1962 सीट है। उसके बाद कनीय लेखा लिपिक जो कि 2400 ग्रेड पे का जॉब है, तीनों जॉब दोस्तों शानदार है, आपको कोई भी मिले तो आप रत्ती भर ना पछताइएगा, क्योंकि इसमें सबसे जो वैल्यूबल पोस्ट है दोस्तों वो पंचायत सचिव का है। मैं इसके बारे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, इसका जॉब प्रोफाइल हार्ड होने के कारण बहुत सारे लोगों ने राजस्व कर्मचारी को फर्स्ट प्रेफरेंस में चूज किया है। तो आप लोग मान के चलिए इन्हीं का जो कटअप है वो हाई रहने वाला है राजस्व कर्मचारी का, और इसमें तो बहुत कम ही सीट है, तो लगभग ऊपर के लड़के लोग अगर चूज करते हैं तो लगभग इनका कनीय लेखा लिपिक का सीट चला जाएगा। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कम नंबर वाले लोग वो पंचायत सचिव से भी उम्मीद कर सकते हैं कि हमें ये पोस्ट मिल सकती है। तो इसका जो दोस्तों एक्सपेक्टेड कटअप क्या होगा मेरिट के हिसाब से, यदि आपका नंबर 108 से 110 के बीच में आ रहा है तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में हैं, आपका लगभग 90% देखिए 100% कोई नहीं बता सकता है। मैं आपको एक्सपेक्टेड कटअप बताता हूँ जो कि बहुत लोगों को कम लगेगा और बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा लगेगा। तो बहुत किनको कम लगेगा, जिनका कि 120 नंबर है उनको लगेगा क्या 108 110 पे ही सिलेक्शन हो सकता है राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का या कनीय लेखा लिपिक का, और जिनका कि 100 नंबर आ रहा है तो वो सोचेंगे बहुत हाई कटअप बता रहे हैं। तो दोस्तों जो सर्वे के अनुसार जो मैंने पाया, बहुत दिन से मैं इस चीज़ पर लगा हुआ हूँ BSSC के ऊपर, तो मेरे ख्याल से 108 से 110 के बीच अगर आपका नंबर है तो आपको इन तीनों पोस्टों में से कोई ना कोई पोस्ट मिलेगा। मैं ये गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ कि आपको राजस्व कर्मचारी ही मिले, आपको पंचायत सचिव ही मिले या कनीय लेखा लिपिक ही मिले, मगर आपको मिलेगा ये गारंटी मानिए मेरी। और इसमें यदि आप जो है होशियारी कर देते हैं, होशियारी क्या कीजिएगा, यदि हम लोग सपोर्ट में बोलेंगे कि 2016 वाले को हटाने के लिए आप लोग हमारा साथ दीजिए, अगर उसमें अगर आप साथ देते हैं दोस्तों तो मैं मानता हूँ इसमें आप लोग 4 नंबर और माइनस कर दीजिए, जो भी मैं कटअप बताऊँगा उसमें से 4 नंबर आप और घटा लीजिएगा, उतना आपका कटअप नीचे जाएगा, क्योंकि 2016 वाले स्टूडेंट बहुत हैं जिनका कि अच्छा नंबर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों चर्चा होगी अब फिजिकल पोस्ट के बारे में कि जिनका कि नाम फिजिकल में है वो कितने सेफ जोन में है। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं अधिकतर लोग का जो है फॉरेस्ट गार्ड में हुआ है, चाहे वो जनरल के हो चाहे वो BC के हो, तो दोनों सीट मिला के लगभग 363 है फॉरेस्ट गार्ड का जनरल का सीट। तो इसको हम लोग 5 से गुना करते हैं तो 15, 30, 31 और 15, 3, 18, यानी लगभग 815 टॉप लड़के अगर आप हैं फॉरेस्ट गार्ड में, अगर आपका नाम है जनरल से फॉरेस्ट गार्ड में, यदि आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो आपका रैंक लास्ट मान लेते हैं 1815, ओके 1815, तो कितना माइनस होता है यानी 3316 में अगर 1815 हम लोग माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो 1013 में गया तो फिर 5 हुआ और 2 यानी 2501, ओके 2501 नहीं होगा, अगर 1800 करेंगे तो 1501 होगा, सॉरी
1501, यानी आप लोग मनाइए जिन्होंने फिजिकल में नो किया हुआ है, अगर वैसे टॉप स्टूडेंट अगर 1000 मिलते हैं आपको तब भी आप सेफ जोन में दिखते हुए नज़र आते हैं। तो दोस्तों सामने में ही आपके कैलकुलेशन किया, अगर ये 1500 भी जाता है फिर भी आपका रैंक जो है 3316 के अंदर में आ जाएगा। यदि काउंसलिंग के दौरान फर्जी स्टूडेंट स्कॉलर या जिनका भी कैटेगरी मिसमैच है वो बाहर जाते हैं तो ये कटअप और नीचे जाने की उम्मीद रहता है। इसलिए दोस्तों आप लोग चिंता नहीं कीजिए, यदि आपका नंबर इतना बीच में है जनरल कैटेगरी से तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं बीसी कैटेगरी की। तो बीसी कैटेगरी का दोस्तों टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है नॉन टाइपिंग के लिए वो 705 है। तो बहुत सारे जो टैलेंटेड लड़के हैं बीसी के तो वो जनरल से फाइट करेंगे, इसलिए इसका जो एक्सपेक्टेड कटअप है दोस्तों वो 105 से 107 के बीच में रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप लोग सोच ही सकते हैं कि 705 सीट जो है ओनली है इनका नॉन टैपिंग के लिए। और हम लोग पोस्ट वाइज देखते हैं तो पीसी यानी पंचायत सचिव में जो है आपका 304 सीट है, आरसी यानी राजस्व कर्मचारी रेवेन्यू क्लर्क में आपका 340 सीट है, कनीय लेखालिपिक में 61 सीट है। टोटल नंबर ऑफ सीट देखेंगे तो 705 है। अब देखिएगा दोस्तों कि जिनका के नाम फिजिकल में है बीसी कैटेगरी से तो वो कितने सेफ जोन में है। तो मैंने अभी तुरंत कैलकुलेशन किया कि 1815 ऐसे लड़के हैं जो कि जनरल से हैं फॉरेस्ट गार्ड में, और साथ ही मात्र 2 सीट था आपका बीसी का, तो 2 × 5 कर देते हैं। तो 2 × 5 जैसे करते हैं दोस्तों तो लगभग 1825 लड़के आते हैं जो कि जिनका के नाम फॉरेस्ट गार्ड में है। तो अपने आप को सबसे लास्ट रैंक मानिए, 1825 अगर आपका रैंक है, ठीक है, 1825 अगर आपका रैंक है तो इधर जो है आपको कितना सीट मिल जाता है यदि आपने जनरल से ही फाइट करके फॉरेस्ट गार्ड में लिया है। तो इधर कितना सीट है आपके जनरल के लिए 3316, और इधर कितना सीट है आपका 705। तो 1, 2 और लगभग 7, 4, 3, 10, तो इधर हो गया 10, यानी 4021 टोटल नंबर ऑफ सीट है जनरल और बीसी को लगा के। तो दोस्तों अगर आप लोग सीधे सीधे देखते हैं कि मेरा अगर जनरल और जनरल के बाद लगातार बीसी का ही सीट हो, ऐसे मान सकते हैं कि जनरल के बाद जो भी लड़के हैं वो बीसी हो, एमबीसी नहीं हो या एससी नहीं हो, यदि आपका जो है दोस्तों फिर भी आपको लगभग 2200 के अप्रोक्स ऐसे सीट मिलते हैं जो कि फिजिकल में नो किए हुए हैं और उनका हाईएस्ट नंबर है। अगर 2200 लड़के अगर मिल जाते हैं तब भी आपको चांसेस है कि आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलेगी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 2016 वाले बच्चे को, तो 2016 वाला बच्चा अगर हटता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान तब ये जो कटअप है और 2-3 नंबर आप लोग माइनस ही कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अति पिछड़ा वर्ग जो कि सबसे सेफ जोन में है, अभी सबसे सेफ जोन में है, ठीक है। उसके बाद इनका जो टोटल नंबर ऑफ सीट है पंचायत सचिव को लेके 700 है, ओके, कितना है 700 है, और राजस्व कर्मचारी का जो है लगभग 945 है, 945 सीट है। उसके बाद कनीय लेखालिपिक में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 86 सीट है, जब तीनों को जोड़ेंगे तो 1731 सीट इनका होता है जो कि भारी भरकम है किसी की तुलना में। तो अधिकतर जो लड़के इनके टॉप रैंकर हैं तो वो तो जनरल से ही फाइट कर लेंगे, तो इनका कंपटीशन दोस्तों बहुत ही कम हो जाएगा अपने कैटेगरी में। तो जिनका भी एमबीसी से 102 से 104 के बीच में नंबर आ रहा है तो 100% समझिए वो सेफ जोन में है, कहीं किंतु परंतु मत कीजिए, वो आराम से अपने लाइफ एंजॉय कीजिए, इतना नंबर है आपको तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और फिजिकल वाले को कितना चांसेस है तो इसका भी फुल चांसेस है, मैंने जो बताया अभी करके, तो फिजिकल वाला का भी लगभग ज़्यादा चांसेस होता है एमबीसी कैटेगरी के लिए। और 2016 के घटने के बाद 2-4 नंबर आप और घटा सकते हैं इसमें, और मिसमैच तो बहुत लोग से हुआ है, क्या बीसी एमबीसी वाले छात्र जो है, एमबीसी वाले छात्र बहुत कोई एमबीसी कर दिए हैं जबकि वो बीसी में थे, तो उनसे भी उनको फ़ायदा मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी को लेके। तो एससी कैटेगरी का सबसे पहले हम लोग सीट देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पद कितना है, तो 1653 पद है, ओके 1653, और
पंचायत सचिव में 710 पोस्ट हैं, राजस्व कर्मचारी में 853 सीट है और कनीय लेखा लिपिक में 90 सीट है उनका। तो इनका जो एक्सपेक्टेड कटअप बताता हूँ दोस्तों, 90 से 92 के बीच में इनका है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बहुत ही कम कटअप बता रहा हूँ नन टाइपिंग का लेकर SC कैटेगरी का, तो दोस्तों मैं लिख के दे देता हूँ कि इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका कि चयन आपका SC कैटेगरी के थ्रू होगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि कुछ SC की कैटेगरी जो बहुत सारे कमेंट करते हैं, लगभग उनका नंबर 110 के आसपास आ रहा है, तो वो जनरल से फाइट करके सीट ले लेंगे और अपने SC भाई के लिए 90 से 92 में लगभग श्योर कर देंगे कि अगर उनका नंबर 90 से 92 के बीच में है तो उनका सिलेक्शन लगभग तय है। फिजिकल की यही बात करता हूँ, जिनका भी फिजिकल में नाम है वो लगभग सेफ जोन में है अगर उनका फिजिकल में नाम है तो। 2016 का भी यही कंडीशन है दोस्तों, 2016 वाले जो स्टूडेंट हटते हैं तो ये नंबर और भी कम होने की उम्मीद है। आगे बात कर लूँ मैं दोस्तों ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी का जो टोटल नंबर ऑफ सीट है दोस्तों 286 सीट है यहाँ पे, जिसमें पंचायत सचिव को लेकर 171, राजस्व कर्मचारी को लेकर 98 और कनीय लेखा लिपिक को 17 सीट है। और इनका जो एक्सपेक्टेड कटअप की मैं बात कर लूँ जो कि मेरिट में इनका बन जाएगा, तो 93 से 95 के बीच अगर इनका नंबर आ रहा है तो लगभग तय है इनका क्या इनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब फिजिकल की मैं बात कर लूँ कि फिजिकल में जितने वाले नाम हैं तो वो सेफ है लगभग 90%। देखिए 90% मैं इसलिए लेकर चलता हूँ कि यह बिहार है दोस्तों, यहाँ की नेता और यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स है उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं 90% बोलता हूँ। आगे मैं बात कर लूँ WBC कैटेगरी की, कि WBC कैटेगरी का सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ सीट देखते हैं तो 310 होता है। उसके बाद जो है हम लोग टोटल नंबर ऑफ सीट देखते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट 140 है पंचायत सचिव को लेके। उसके बाद राजस्व कर्मचारी को देखेंगे तो 155 सीट होगा और कनीय लेखा लिपिक में आपका 15 सीट होता है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं क्या कुल पद देखिए 310 है, वो लगभग ST से भी ज़्यादा सीट है इनका WBC का। और महिलाओं का मैं सम्मान करता हूँ मगर नंबर देखिएगा महिलाओं का तो थोड़ा सा कम आया है BSSC में, ऐसा तो टैलेंट का कोई कमी नहीं होती है महिलाओं में, मेरा ये अगर उनको बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, मगर जितना भी मैंने कमेंट पढ़ा तो लगभग लड़की लोग का लगभग 100 से कम ही नंबर है, लगभग 105 या 110 बहुत कम का मैंने देखा है। अगर जितने भी लड़की लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इस चीज़ का बुरा नहीं मानिएगा, जैसा कि मैंने बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़ा हुआ है उसके अनुसार ही मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। तो लगभग जिनका भी 88 से 90 के बीच में नंबर आ रहा है तो वो लोग सेफ जोन में है, 100% मैं लिख के देता हूँ कि उनको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल ही जाएगी। अब फिजिकल की मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि इनमें कितने लड़कियों का फिजिकल में हुआ है, ना भी मैं कमेंट में देख पाया हूँ कितने नंबर वाले लड़की का सिलेक्शन हुआ है। 2016 की मैं बात कर दूँ तो बहुत कम ही ऐसे लड़की होगी जो कि 2016 में होगी, तो यहाँ ये मैटर ज़्यादा वेरी नहीं करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ये वीडियो बहुत शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके चैनल को अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। तो मिलते हैं कल एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।